हेलो गाइज, राज इंडियन नेकर चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। गाइज, आपको बिना किसी देरी किए हुए आपको दिखाते हैं, हमने आरओ प्लांट लगाया है जो इसके लिए स्टैंड बन मिट्टी का बना लिया है और यह मटका लिया है, इसमें टुंटी लगा दी है। इसी प्रकार टुंटी लगा हुआ मटका मिला था हमारे को, इसे सेट कर देते हैं। अब इसमें एक बोतल लिया है 20 लीटर का, वो इसके ऊपर ऐसे रखा जाएगा, आप अच्छी तरह देख सकते हो। गाइज, आप देख सकते हो हमने बिल्कुल बारीक रेत की तरह बजरी को चाल लिया है छलनी से, इससे थोड़ा बड़ा लेवल का है। ये 3 नंबर पर इससे भी थोड़ा बड़ा है, 4 नंबर पर आप देख सकते हो ये और भी बड़ा है, और 5 नंबर पर इससे भी बड़ा है, और 6 नंबर पर और भी बड़ा, फुल बड़े साइज का ले लिया है, जिसमें बड़ा कोई चीज़ हो वो बाहर ना आए। हमने बोतल के पेंदे में होल कर दिया है और इसमें रुई अच्छी तरह लगा देंगे और अपने बिल्कुल बारीक से थोड़ी बड़ी है 3रे स्थान पर वो डाल देंगे इसमें, इसी प्रकार से। और हम जो हमारे पास 4थे नंबर की ग्रीट थी, हल्की मात्रा में कंक्रीट थी, उसे डाल देते हैं। बिल्कुल ही बारीक कंक्रीट है ये, थोड़ी सी जो बॉटम के पानी अच्छी तरह क्रॉस कर सके, मिट्टी वगैरह ना आए इसके लिए। इसी प्रकार आपको दिखा रहे हैं, इसी प्रकार लगा रहे हैं। इतना ही डालेंगे और हम अब 0 नंबर है हमारे पास, बिल्कुल भी रेत की तरह वो डाल देंगे, आप देख सकते हो। अब हम बिल्कुल बारीक है जो डाल देते हैं गिलास से, बाहर ना बिखरे इसलिए। गाइज, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और आपको नए नए कंटेंट दिखाते रहे। सस्ते सुंदर जुगाड़ घर पर ही बनाकर आपको दिखाते रहे, जो मार्केट से लेंगे तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। इसी प्रकार डाल देते हैं, पेंदे पेंदे में आ गया ये देख सकते हो आप। अब हम थोड़ा सा इससे भी बड़ा है वो डाल देते हैं, ये हमारा 2रे नंबर का है। इसको भी थोड़ा हल्का डालेंगे क्योंकि ज़्यादा परत आ जाएगी तो फिर पानी नहीं क्रॉस कर पाएगा। अब हम ये हमारे पास पहले डाला था वही सिस्टम है, हल्की कंक्रीट है 3 नंबर की, वो डाल देते हैं। इसी प्रकार डाल देंगे। प्लीज़ आप सब्सक्राइब तो कर लेते हो पर बेल आइकन घंटा क्यों नहीं दबाते, वो घंटा ज़रूर दबा दीजिए। और आपके भाई को सपोर्ट कर दीजिए, जिससे और भी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाते रहे। इसको अच्छी तरह हिलाकर अपने बराबर लेवल में कर लेते हैं और बाद में ये देखो किस तरह से हमने अच्छी तरह फिट कर दिया है, अंदर 3 लेयर बना दिए हैं अभी तक। ये थोड़ा कलरफुल है, वाइट होता तो आपको दिखाई दे देता, ये देखो अलग अलग है। पर आप इसी प्रकार बनाओगे तो अच्छी तरह वर्क करेगा। अभी हमारे पास 4थे नंबर की ग्रीट है,
बड़े लेवल में बजरी है, बजर पुट उसे डाल देंगे थोड़ा इसी प्रकार से। इससे थोड़ी देर 2 इंच की पे 1.5-2 इंच की परत बना लेंगे इसकी। कम से कम 2 इंच की परत बन गई है इसे। गाइज हमारे पास 5वें नंबर का बजर पुट था, वो डाल देते हैं और आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा फास्ट कर देते हैं वीडियो को। इसी प्रकार से आप देख सकते हो, तो कम से कम 2 इंच की इसकी भी लेयर बना देंगे। आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। प्लीज़ कोई वीडियो में कमी रह रही है तो हमारे को प्लीज़, कोई भाई ज़्यादा जानकार हो तो वो कमेंट करके बताएं। अब हमने फुल बड़े साइज़ का भी डाल देते हैं जल्दी जल्दी से इसमें। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कचरा होगा पानी में, वो थोड़ा सा शुद्ध कर देगा, वो ऊपर ही रख लेगा, ये अपना काम करेगा। इसी प्रकार डाल देंगे। भाई जो आप देख सकते हैं, हमने पानी को अच्छी तरह गंदा कर लिया है मिट्टी से। ये देखो किस हालत में कर लिया है, कैसा कंडीशन हो गया पानी का। इसे फिल्टर करेंगे, अपने आरओ प्लांट बनाया है जो जुगाड़ से, उससे इसी प्रकार फिल्टर करके आपको दिखा देंगे। और अब इस बोतल में पानी को डाल देते हैं। यह कैसा दूध की तरह सफ़ेद हो गया, इसका कैसा कंडीशन होगा, कैसा होगा वो आपको रियल अपने टेस्टिंग करके बताएंगे। थोड़ा पानी और डाल देते हैं इसमें, 2 से 3 लीटर, जिससे हमारा जो नीचे 20 लगा रखी है उस पर आसानी से पहुंच सके। तो पानी कम था इसलिए 20 तक आएगा नहीं, इसलिए हमने पानी और डाल दिया। पानी और डाल दिया थोड़ा, और आप ये देखो हमने फिटकरी ली है थोड़ी सी लमसम, 1 से 2 ग्राम 3 ग्राम हो जाए वो डाल देते हैं। कहीं हमारे को 2 से 3 घंटे हो गए, पहले पानी निकला था वो थोड़ा हल्का ख़राब था, वो हमने वापस से बिखेर कर दूसरी बार जो पानी आ रहा है वो आपको दिखा रहे हैं, हल्का हल्का आने लग गया दूसरी बार में भी। पहले थोड़ा ख़राब आया था पानी, पीला पीला आया था, उसका कलर सही नहीं था, इसलिए हमने पी के यूज़ करके नहीं दिखाया, आपको भी नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनता। 20 तक हल्का हल्का पहुंचने लगा है पानी, या आप देख सकते हो पानी का कंडीशन कैसा है, पानी बहुत अच्छा निकल रहा है अंदर से, शुद्ध क्वालिटी आ रही है। और भी 2-3 बार इसे इलाज करेंगे तो अपने आप अच्छी तरह वर्क करेगा। ये देख सकते हो पानी का कैसा बिल्कुल क्लियर पानी है, और भी मस्त हो जाएगा। कुछ भी मिट्टी वगैरह, कुछ भी जीव जंतु कीटाणु वगैरह नहीं रहेंगे, क्योंकि अपने 7 लेयर की बनाई है आरओ प्लांट। आप एक कर देखते हैं वैसा ही है, पहले नॉर्मल पानी पीते थे उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हल्की फिटकरी डाली है, हम फिटकरी नहीं डाल के पानी पीते हैं। क्योंकि गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। गाइस जैसा जुगाड़ आप भी बना सकते हो घर पर, बहुत अच्छा काम करता है, इसे 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, यह जुगाड़ बहुत रियल तरीके से काम करता है। गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज़ भाई लोगों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। थैंक यू, वंदे मातरम।